कहाँ पाओगे ले लो। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि ठीक ही होंगे। काफी क्या करूँ मैं लेके, हेलो बोल दो फिर। अरे चुड़ैल मत बन जा बेटा, हेलो तो बोल दो। ये कहाँ लिपस्टिक लग गया? कॉपी ले ले। अच्छा पेज पेज लग गए, और जल्दी इधर से आओ, हेलो बोल दो। हेलो, ये है मेरी वैष्णवी। ये लाइफ का पहला गिफ्ट है, और इसका नाम मैंने वैष्णवी क्यों रखा है ना, ये भी एक स्पेशल है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी ये मैंने वैष्णवी क्यों रखा है। और ये मानवी है, इनके अभी मानवी नहीं, नाम जानवी रखे थे, बट इनके पापा ने मानवी कर दिया। और ये तो आप लोग को पता ही है ना कितनी बदमाश है, और इनका जो हेयर कट है ना मैंने खुद कट किया है। कब से बोल रहे थे लेकिन कटवा दीजिए, नहीं सुने, मैंने कैंची उठा के कटर डाला है। बेटा हेलो बोल दो। हेलो सोना, और आज है 24 का, तो आप लोग को पता ही है मैंने शाम को ही पोस्ट, मेरा एक पोस्ट चला गया है ना, तो मैंने अभी बैठी थी ना, तो मैंने सोचा ना कि आप लोगों से कुछ बातें कर लें कि, और ये तो मटर खोल के खा रही हो गए इस पे। अच्छा, और आप लोग मुझे आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल बातें शेयर करनी थी, तो मैंने कहा कि आज बात कर ही डालूं, आप लोगों को बता ही डालूं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि ये जितने अच्छे हैं ना, ये हजारों में कहीं एक जोड़ी ऐसी होती है, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं ना, और हम आपसे जुड़े हैं ना, आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरी शादी ना अरेंज मैरिज है और ना लव मैरिज है। मात्र 2 महीने के अंदर, वैष्णवी को हंसी आ रही है, मात्र 2 महीने के अंदर ये रिश्ता जुड़ा हुआ है 1 दिसंबर को। उस दिन, आज भी बुधवार है, और उस दिन भी बुधवार था 1 दिसंबर को, जब ये मुझे फर्स्ट टाइम देखने गए थे, और 1 दिसंबर को देखने गए थे, सोचिए 24 फरवरी को शादी हो गई है। तो कैसे कैसे शादी हो गई और कैसे नहीं हो गई, क्या रिश्ता था, कई जन्मों का नाता था, नहीं तो शादी के पहले से ये जॉब करते थे, और जॉब वाले लड़कों को ऐसा नहीं है कि लड़की, आप लोग को पता है कि लड़की नहीं मिलती, लेकिन हमारा पता नहीं, रिश्ता एक जन्म का रिश्ता होता तो शायद कुछ भी हो सकता था, पर हमारा तो कई जन्मों का रिश्ता था, तो हमें तो मिलना था ना, नहीं तो हमारा और हमारे मायके की दूरी यहाँ से 350 से कुछ ज़्यादा है, उससे कम नहीं है, क्योंकि मायका मेरा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है और ससुराल प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब यहाँ जहाँ ससुराल है यहाँ से सेम दूरी है, इलाहाबाद के प्रतापगढ़ के बीच में गांव है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और यहाँ की भाषा, कल्चर, स्वभाव सब कुछ बिल्कुल अलग है एक दूसरे के अपोजिट, मैं जैसी थी उसके एकदम सेम विपरीत यहाँ पे था, लेकिन ये इतने अच्छे मिले कि कभी मुश्किलें आई, हर चीजें आई, लेकिन हर मोड़ पे इनका साथ मिला, इनका प्यार मिला, हंस हंस के, हर कब कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और पता है मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, मैं जब मैं रात में 3 बजे तक मैं जगी थी, और वही मैं 1-1.5 बजे मैं पोस्ट की हूँ, मैं यही सोच रही थी ना कि स्पेशल मोमेंट कब, लड़ते झगड़ते मनाते रुलाते हंसाते कब, ये 10 ईयर बीत गए कुछ पता नहीं चला, और ये 2 प्यारे प्यारे इतने बड़े इतने खूबसूरत गिफ्ट भी, यही 10 साल की निशानियां हैं, और कब आ गया यार कुछ पता नहीं चला। और शादी का मैं क्या शेयर कर सकूँ, इतनी छोटी सी स्टोरी तो है नहीं कि मैं वीडियो लंबी हो जाएगी बता दूँ, लेकिन इतना बता दूँ कि जो संडे को सहनाई निकलती है ना, उसी सहनाई की दिन हम और ये वर्मा जी हैं, क्योंकि उसी में पेपर में इनके वहाँ ये लोग निकलवाए थे, और मेरे पापा को पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो पेपर पढ़े थे, और पेपर पढ़े फिर बताएं पता नहीं कैसे, फिर हमको लग रहा है जब फोन उधर से आया ना, 1 हफ्ते के अंदर ये लोग देखने भी चले गए थे, और कैसे क्या हुआ मुझे बहुत हंसी आ रही है। पता है आप लोगों को, फिल्मों में तो स्टोरी ऐसे बनती है, लेकिन हमारी स्टोरी ना फिल्मों से भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ना मैं जब जानी ना कि लड़का मुझे कोई देखने आ रहा है, वो भी इतनी दूर, पता है आप लोगों, मैं शादी से पहले मैं बस इतना जानती थी ना कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का तो नाम सुनते थे, वो नागरिक
बुक वगैरह में पढ़ भी लेते थे, बस इतना ही जानते थे कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है और संगम लगता है, गंगा तीन नदियों का मुख्य संगम है। इसके अलावा मुझे इलाहाबाद के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं गोरखपुर के आगे मैं बढ़ी ही नहीं थी। और हाँ, और प्रतापगढ़ का नाम तो मैं शादी में ही सुना था कि प्रतापगढ़ कोई जिला है कोई शहर है। मैं कान में मतलब भूल से भी मुझे प्रतापगढ़ के बारे में नहीं पता था कि कहाँ है प्रतापगढ़। और मुझे क्या पता मुझे प्रतापगढ़ में ही मेरी लाइफ बच जाएगी। तो मैं कह रही थी ना कि मैं जब मुझे पता चला ना कोई देखने आ रहा है तो मैं नंबर चुराई। तब तो सादा मोबाइल रहती थी ना, 1911 की मेरी शादी है तो ये 11 का ही 10 की ही बात है क्योंकि फरवरी में शादी हुई है और बात शादी की दिसंबर में चली है। तो उसमें समय आप लोग के सबके लगभग सब लोग जानते होंगे वो वाला मॉडल मोबाइल का जो नोकिया 1100 मॉडल था वही मेरे घर में भी था। और तब हम लोग के पास पर्सनल फोन थोड़ी ना हुआ करता था, एक मोबाइल रहता था घर में। फिर मैं घर में से नंबर चुराई और फोन करके ना मना कर दिया कि आप लोग लड़की देखने आने वाले हैं क्या, आप लोग आइएगा मत। मैंने बोल तो दिया लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं किससे बोल रही हूँ, लड़के के पापा है भैया है कौन है कौन है कह दी। उसके बाद जब मैंने कह दिया तो आप आइएगा नहीं, तो इन्होंने बहुत आराम से सुन लिया, रिप्लाई किया क्यों नहीं आया बताइए क्या प्रॉब्लम है। न इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन बोल रही हो, न मैंने इनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। ठीक है, जब फोन कट कर दिए ना तो फिर दोबारा फोन फिर से मैं फोन लगाई। उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा तो आप बोल कौन रहे हैं, इन्होंने बोला मैं खुद लड़का बोल रहा हूँ। उसके बाद मुझसे पूछा तुम आप कौन बोल रहे हो, मैंने कहा मैं वही लड़की में बोल रही पूरी स्टोरी सुनेंगे ना तो आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ये फिल्मों वाली स्टोरी थी वरना, और पता है लोगों मैं बचपन से लकी हूँ, मेरे पापा ने कहीं रिश्ता देखने नहीं गया और ना मेरे लिए रिश्ते अच्छे अच्छे रिश्ते लोगों ने लाया, किसी ने यही हुआ था कि लड़की पता नहीं क्या बात थी यार कि मतलब एक से एक रिश्ते आ रहे थे और यहाँ जुड़ जाएगा कब कैसे बंधन। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, एक एक स्टोरी छोड़ दो बेटा बाल मुझे आगे करने का शौक नहीं है, तो मैं एक एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कभी। बहुत मछली रह के आने भी लगा रहे हैं भी बोले मेरी मम्मा इतनी सुंदर है तो मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं सुंदर हूँ इसी की देन है कि मैं आज यहाँ हूँ, तो ये तो कुदरत की देन और सुंदरता एक अभिशाप है मैं पक्का बोलूंगी। ये रूप ने ना बहुत 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 कुछ झलाया है। तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरी बेटी बहुत तंग कर रही है, देख लीजिए आप लोगों से बात नहीं करने दे रही, मैंने सोचा था ना कि कुछ अच्छे से आप लोगों से शेयर कर रही बट ये करने नहीं दे रही और इसके पहले इतना अच्छा से बात की थी तो वीडियो में ना अपलोड करने जा रही थी मुझसे डिलीट हो गया। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।